मेरा नाम आयशा कमाल है और मैं इस्लामिक कैलीग्राफी करती हूँ। मैं लाहौर से हूँ। मुझे प्रोफेशनली तो तकरीबन 10 साल हो गए हैं। वैसे मैं बचपन से ही प्रैक्टिस तो बचपन से ही कर रही थी। मैं कुरान पाक पढ़ती थी तो जो कुरान पाक के अल्फाज हैं, कुरान पाक के वर्ड, वो मुझे नज़र आते थे। मतलब ऐसे ही हवा में उनको लिखने की मैं कोशिश करती थी, तो फिर मुझे फ़ील होता था कि मैं कुरान पाक के अल्फाज को लिखूँ कलर्स में। तो उसके बाद मैं ख़ुद लिखने की कोशिश करती थी, लेकिन वो ज़ाहिर मुझे सही से मुझसे लिखे नहीं जाते थे। मैं बार बार प्रैक्टिस करती थी। फिर मैंने टीवी पे देखा लोगों को लिखते हुए, और मैंने साद केन की पेंटिंग्स देखी, पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं। जब उनकी पेंटिंग्स देखी तो तब मुझे और ज़्यादा शौक़ हुआ कि मैं लिखूँ। पहले तो ख़ुद प्रैक्टिस करती रही, फिर मैंने आमिर कमाल साहब से सीखा। लोगों का फीडबैक तो बहुत ही अच्छा आ रहा है, लेकिन जब मैंने अब यूरोप में एग्जीबिशन की है और मास्टर क्लास की है, इसके बाद तो ऐसा रिस्पांस है, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उम्मीद नहीं थी। पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से मेरी एग्जीबिशन हुई, तो जब तक ये सब कुछ नहीं हुआ तो पाकिस्तान में मुझे वो वैल्यू नहीं मिली जो एक आर्टिस्ट को मिलनी चाहिए। तो जैसे सूरह रहमान है, तो सूरह रहमान के वर्ड मेरे दिमाग में चलते रहेंगे, मेरा दिल करेगा मैं इसको ऐसे भी बना लूँ। तो फिर उसमें कलर्स जो होते हैं, जैसे दुरूद शरीफ है तो वो ज़्यादातर मैंने ऑरेंज कलर, येलो कलर, रेड कलर इसमें बनाए, ठीक है। और सूरह यासीन है, ये थोड़े से कूल कलर जो हैं, जैसे ब्लू कलर, लाइट ब्लू, अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं इंटरनेशनली, काफ़ी कंट्रीज से मुझे ऑफर्स आ रही हैं, तो इनविटेशन आ रहे हैं, वो मुझे बुला रहे हैं कि इधर आप आएँ, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं।